यहाँ पे मेरे 10 दिन में करीब 3 बार चोरी हो चुकी है। पहली चोरी मेरी 22 तारीख को हुई थी, जिसकी शिकायत मैंने करी थी। उसके बाद पुलिस वाले कहते हैं कि आप अपनी सुरक्षा आप खुद करो, ऊपर अपनी मजबूती आप खुद करो। हमारी दुकान में लगभग 1.5 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है अभी तक। शहर कोतवाली से लगभग 1 किलोमीटर पर स्थित बैटरा एंड वाटर की दुकान में चोरी हो जाती है और पुलिस मानने को तैयार नहीं है। बल्कि इतना ही नहीं, जब शिकायतकर्ता प्रार्थना पत्र लेकर जाता है तो उसे कोतवाली पुलिस एक चौकीदार लगाने की बात कह रही है। ये कहना है बैटरा एंड वाटर दुकान के मालिक अभिषेक गुप्ता का। इनके दुकान में 3 दिन से लगातार चोरी हो रही है। 3 शेड हटाकर चोर अपना काम कर जाते हैं, लेकिन जब बैटरा ज्यादा चोरी हो गए तब दुकान मालिक को पता चला, वो सन्न रह गया। आपको बता दें कि मेन सड़क पर स्थित दुकान के पीछे 3 शेड हटाकर चोर उनके लाखों के सामान पर हाथ साफ कर चुके हैं और पीड़ित पुलिस से प्रार्थना पत्र देकर न्याय की आस लगा रहा है। आपको बताते चले कि एक तरफ कोतवाली और दूसरी तरफ बस स्टैंड की पुलिस चौकी के होते हुए भी चोरों के हौसले बुलंद है। इसका जिम्मेदार कौन है, आपको सुनाते हैं पीड़ित की जुबानी। भैया, ये हमारी माल गोदाम पे चांदी वाले मंदिर के सामने दुकान है और ये मेरी इन्वर्टर बैटरी की दुकान है। यहाँ पे मेरे 10 दिन में करीब 3 बार चोरी हो चुकी है। पहली चोरी मेरी 22 तारीख को हुई थी, जिसकी शिकायत मैंने करी थी। और उसके बाद उस शिकायत करने के बाद मेरे गले से उसमें रुपये 3,000-6,000 रुपये थे, वो ले गए थे वो लोग। फिर दोबारा मैंने शिकायत करी, दोबारा चोर आए थे यहाँ पे, ऊपर से टीन काट के सब अंदर घुस गए थे। बैटरियाँ रखी थी यहाँ पे, 10 बैटरी हमारी रखी थी, वो सब गायब हो गई। उसकी हमने आपकी कराई थी रिपोर्ट, ये रिपोर्ट है। 25 तारीख को आए थे चोर, 25 तारीख को चोर आए थे। उसके बाद पुलिस वाले कहते हैं कि आप अपनी सुरक्षा आप खुद करो, ऊपर अपनी मजबूती आप खुद करो। फिर कल रात में हमारे यहाँ फिर चोर आए हैं हमारे करीब बगल वाली दुकान में, वो 10 बैटरी हमारी ले गए हैं स्क्रैप। हमारी दुकान में लगभग 1.5 लाख रुपये का नुकसान हो चुका है अभी तक। पुलिस कहती है अपने आप सुरक्षा अपने आप करो, प्राइवेट गार्ड करो तुम लोग।